एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन 2015 से शुरू किया था. 2015 सितंबर में एक्चुअली मैंने वहाँ से प्रिपरेशन शुरू किया है. तो अभी कोई कोचिंग वोचिंग नहीं लिए, खुद से ही पढ़ा घर पे. तो उस साल आरआरबी दिया ही नहीं, क्योंकि लोगों में लेवल होता है कि भाई आरआरबी नहीं देना है, पीओ ही मिलेगा. तो आईबीपीएस पीओ दिया, पीओ में मेंस में नहीं मिला. क्लर्क में भी वही चीज़ हुआ, लेकिन एक चीज़ मैंने क्या देखा, क्लर्क में मैं 6 मार्क के लिए फेल हो गया. तो जब मैंने वापस एनालाइज किया कि क्यों ये 6 मार्क नहीं मिला, तो एनालाइज करने के बाद याद आया कि पजल 2 था, मैंने दोनों ही पजल नहीं किया. तो 2 पजल में तो 10 मार्क होता है ना, तो मिलने का कोई चांस ही नहीं था. तो फिर मैं अराउंड 2016 आपका अप्रैल में मैंने स्कूल ऑफ बैंकिंग में एडमिशन ली. तो यहाँ पे रीजनिंग में मैंने पजल सीखा, फिर SBI क्लर्क भी दिया आपका जो 2016 में आया, SBI क्लर्क दिया. तो SBI क्लर्क में भी मैं फेल हो गया. अब वहां पे क्यों फेल हुआ, क्योंकि मैं इजी इजी पजल कर रहा था, है ना. पहले तो इजी इजी पजल्स आते थे, मैं इजी इजी पजल कर रहा था, इसलिए उसमें प्रॉब्लम हो गया. उसके बाद मैंने क्या किया, SBI क्लर्क देने के बाद, ताकि IBPS में ये रिपीट ना हो, ठीक है, बाकी सिलेक्शन तो भगवान के हाथ में भी होता है बहुत कुछ, लेकिन मेरी तरफ से वो ना हो, इसलिए मैं रोज एटलीस्ट 2 पजल्स करता था, ठीक है. और 2 पजल ऐसा नहीं करता था जो इजी हो. आप इजी 10 कर सकते हैं, उसमें आपका 5 मिनट में हो जाएगा. मैं ऐसे पजल्स करता था जनरली जो 15 मिनट्स में भी ना हो आपसे, ठीक है. टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसा पजल्स मैं करने की कोशिश करता था. जैसे इस बार आप लोगों ने क्लर्क दिया होगा, अगर मेंस आप लोगों ने दिया होगा तो देखा होगा आप लोगों ने सारे पजल ही टफ थे. एक इजी था, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन आया था उसके साथ, बाकी जो सारे टफ क्वेश्चन जो टफ थे पजल्स उसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा कि आप 5 मिनट में वो पजल कर लोगे, एक भी पजल वैसा नहीं दिया था, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है. तो वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका आ जाएगा, बड़ा बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है. मैथ्स में एक बहुत बड़ा बात था मैथ्स में, कि हम लोग सब कुछ के लिए प्रिपेयर करते हैं, मिसेलेनियस भी प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एग्जाम का एक ट्रूथ है कि आप मिसेलेनियस कर ही नहीं पाओगे, टाइम में ही नहीं मिलेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिसेलेनियस नहीं करोगे. SBI क्लर्क में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, SBI क्लर्क में मेरे मिसेलेनियस ही ज्यादा क्वेश्चन किया था, क्योंकि बाकी आता नहीं था मुझको, ठीक है. लेकिन मेन आपका DI है, रोज कम से कम एक DI तो करना ही है, और टाइम आपके ऊपर है, आप कितना टाइम दे सकते हो. जैसे मैं एक जॉब करता था, एक्चुअली मैं एक टीचर था, अभी हूं नहीं बोल सकता. मैंने अक्टूबर के टाइम, अक्टूबर से IBPS स्टार्ट होता है ना, PO होता है, फिर RRB होता है, फिर क्लर्क होता है, तो उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था. लेकिन उसके पहले मैं एक टीचर था, मैं पढ़ाता था, तो जितना टाइम उसके अंदर से मिलता था कर देता था. तो अभी आपका स्ट्रेटेजी सबका अपना अपना होता है, ठीक है. आप जैसे मेरा पजल प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने यहाँ पे आकर पजल सीखा, तो बहुत कुछ हो गया. और एक चीज जो मैंने यहाँ पे आके जाना कि स्पीड टेस्ट भी होता है, ठीक है. पहले तो ये सब चीज जानता भी नहीं था कि स्पीड टेस्ट होता है. तो एक स्टूडेंट अगर स्पीड टेस्ट दे रहा है अपने घर पे, आप जितना भी टैलेंटेड हो आप उसके साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पीड टेस्ट दे रहा है, ठीक है. तो इसलिए कोई ये मत छोड़िए, स्पीड टेस्ट दे दीजिए, शायद कुछ काम आ जाए, शायद नहीं काम आएगा. और जैसे इंग्लिश तो इस बार बहुत ही टफर है, हर जगह पे इंग्लिश बहुत ही टफर है. मैं क्या करता था कि आप लोगों ने पेपर सुना है द हिंदू, मिलता नहीं है, बहुत कष्ट से मिलता है द हिंदू. पहले पहले आप पढ़ेंगे ना, आपको इच्छा नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि इंग्लिश का लेवल इतना हाई है, और ये कमर्शियल न्यूज नहीं होता है उसमें, उसमें सारा आपको अच्छा अच्छा न्यूज मिलेगा. तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, तो पढ़ता रहा थोड़ा, एक महीना हुआ, आज 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए मैं वो पढ़ रहा हूँ द हिंदू. अभी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कभी शायद मैं कहीं बाहर जाता हूँ, ट्रेन में चला गया तो स्टेशन पे मिलता ही नहीं है द हिंदू, तो कोई दूसरा न्यूज़पेपर मिलता है, वो पढ़ के मेरे को मजा नहीं आता है. हिंदू जो एक बार पढ़ लेगा ना, उसको दूसरा पढ़ने का मजा नहीं आएगा. उसका एडिटोरियल अगर आप पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपका हेल्प होगा, करंट अफेयर्स में भी हेल्प हो जाएगा, जो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा. इंटरव्यू में तो आपको चाहिए ही है, आप एक लाइन बोल के तो इंटरव्यू में नहीं आ सकते, कुछ तो बोलना पड़ेगा,
तो उसमें आपको ये द हिंदू बहुत हेल्प करेगा और इंग्लिश तो उसके साथ आएगा। बाकी आप बुक्स पढ़ सकते हो, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा था एक्चुअली, इंग्लिश इतना टफ पहले आता भी तो नहीं था, तो इतना ही है। और जीके तो मैं ऑनलाइन से ही मेनली पढ़ता था, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से मैं पढ़ लेता था। और मेरा हैबिट था कि मैं लिखता था, चाहे मेरे को 1 आवर ज्यादा लगे लेकिन मैं कॉपी में लिखता था। ठीक है, तो इतना ही कुछ था। तो एक चीज है कि स्ट्रेटेजी आप अपना खुद का बनाएंगे, किसी और से आपका स्ट्रेटेजी मिलेगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा टिप्स ले सकते हैं सबसे। ठीक है, और एक ही एक चीज मैं बहुत ये से बोलना चाहता था कि आजकल जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट हुआ है? क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ रहता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं, सेक्शनल टाइमिंग रहता है। तो आप जितना भी रीजनिंग जानो, जितना भी मैथ्स जानो, आप एक लेवल के ऊपर नहीं कर सकते हो। तो जितना भी स्टूडेंट लोग पास हो रहा है, जितना को भी हाई हाई मार्क्स मिल रहा है, अगर आप उनका मतलब उनसे पूछे तो वो आप लोगों को बताएंगे कि जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके में आप इजिली 30 स्कोर कर सकते हो, अगर करंट अफेयर्स आता है तो आप इजिली 30 स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन उसके लिए कम से कम 4 महीने का जीके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों को बताएंगे कि क्लर्क लेवल एग्जाम्स में इंटरव्यू नहीं है, इसलिए मार्क्स आपको और हाई चाहिए, इसलिए आपको जीके में उठाना ही है जैसे भी हो। ठीक है, अभी तो SBI आ गया है, उसके लिए पढ़ते रहिए जीके।